और आही हिंगना की मिट्टी और उस मिट्टी में वन तुलसी की गंध, उसका सुवास और उस सुवास से विश्व को आंचलिकता की परिभाषा से सुवासित करने, उसके नए रूप रंग को निखारने जिस बच्चे ने जन्म लिया, जिसे शीलानाथ मंडल पानो देवी ने अपने को ऋण के बोझ से दबा होने की स्थिति में भी हंसते हंसते गांव की भाषा में रेनुआ कहकर पुकारा, वह रेनुआ बड़ा होकर अमर कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु बनेगा, भला यह कौन सोच सकता था। इतिहास लिखना और फिर उसको दोहराना तो कोई कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु जी के परिवार से सीखे। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। रेणु जी को आज पूरी दुनिया जानती है। एक छोटे से गांव से इतना लंबा सफर तय करना कितना मुश्किल रहा होगा उस दौर में, इस बात की कल्पना हम या आप भी नहीं कर सकते। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती है प्यारी प्यारी मुखड़े उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला, गुपचुप तमाशा देखे वहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। उनके आत्मविश्वास दृढ़ शक्ति के सामने सारी कठिनाइयां बौना साबित हुई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी, बोल क्या सूझी तुझको काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। और इसी का नतीजा रहा कि रेणु जी ने एक अमिट इतिहास रचने में कामयाब रहे। प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। परिवार ने एक क्रांतिकारी इतिहास की इबारत लिख डाली। फणीश्वर नाथ रेणु जी के पोते आनंद कुमार राय ने एक महादलित परिवार में शादी रचाकर छुआछूत की घिनौनी प्रथा पर एक जोरदार प्रहार किया है। आनंद जी, आप इतना बड़ा फैसला, एक महादलित लड़की से शादी करने का फैसला जो लिया, इसके यह एक क्रांतिकारी कदम रहा आपका, और इस रूढ़िवादी समाज में आज भी छुआछूत का जो मसला चल रहा है उसको देखते हुए आपने जो कदम उठाया, तो इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? के ज़माने में ही जब एक हरिजन महिला को पानी पिलाने पे इतना विद्रोह हुआ था जी, और उस विद्रोह के कारण समाज में बहुत सारी बातें हुई थी, उस चीज़ को, उस छुआछूत जैसी बीमारी को दूर करने के लिए यदि ऐसा कदम मैंने उठाया तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया जी। बेशक तौर पे आपका काम जो रहा, जो आपने डिसीजन लिया, ये सराहनीय है, इसमें कोई। जैसे ही सीमांचल का नाम आता है हमारे जहन में बस एक ही बात आती है, फणीश्वर नाथ रेणु जी।
जिन्होंने न केवल इस छोटे से कस्बे को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई बल्कि एक ऐसा अनूठा कहानी उन्होंने लिख दिया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने 1966 ईस्वी में एक ऐसा काम किया जो अब तक उनकी ये गूंज रही है चारों तरफ। उन्होंने 1966 में तीसरी कसम फिल्म की शुरुआत की थी जिनके राइटर वो खुद थे और उन्होंने संवाद खुद लिखे थे और उन्हीं का नतीजा रहा कि राज कपूर साहब और वहीदा रहमान जी इस छोटे से कस्बे में आए और आज उन्हीं की इस गाथा को आगे बढ़ाते हुए उनके पुत्र विधायक पदम पराग राय वेणु जी जिन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जो समाज में एक उच्च स्तरीय मैसेज देती है। उन्होंने एक महादलित लड़की को अपने घर की बहू बनाया जो कि एक सराहनीय कदम है। तो विधायक जी आप बताइए कि आपने ये कदम उठाया तो क्या क्या आपका मानसिकता था, क्या सोच था कि आपने एक इतना ऊंचा कदम उठाया? देखिए ये कदम जो है दशकों पहले उठ चुका था जी। जिस महादलित परिवार में हम बेटे की बेटा की शादी की है अगर अखबार में पढ़े होइएगा तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन मैं बता दूं कि तिलकेसर राम जिसकी परिणतनी है ये जी, इसी कुआं में से पानी भर के उसको दादाजी बोल दिए थे पहले कि तुम ऐसा कुछ करना कि कुआं से पानी भर के तुम पी लेना। तो ऐसा कुछ करने का मतलब था कि वो ढोल बजाने के लिए यहाँ आया था, ढोल बजाते बजाते कहा कि हमको प्यास लगी, हो बाप पानी पानी पानी, तो कौन जाएगा अछूत जात को पानी देने के लिए? तो ट्रेन तो दादाजी पहले कर दिए थे इसको जी। तो जाके डोल से बाल्टी लगा के अपना पानी पी लिया हूँ, तो पूरा लोग यहाँ था अरे छोटी जाति का लोग पानी पी लिया, पानी छूट गया, ये हुआ हुआ छुआछूत की भावना। हाँ, छुआछूत की भावना से। तो दादाजी लोगों को समझाए बुझाए बात, आहिस्ते आहिस्ते लोगों में गया कि भाई चलो अच्छा कदम, लेकिन स्वीकार नहीं किया लोगों ने। लेकिन दादा का वैसा व्यक्तित्व था कि सबको मानना पड़ा और तभी से एक सिलसिला चला हुआ है हम लोगों में कि हम लोग जाति पाति नहीं मानते। दुनिया में दो जात है, एक स्त्री एक पुरुष, और कोई जाति हमको मालूम नहीं, हम तो नहीं जानते। और महादलित से पहले हम अन्य जातियों के विषय में बता दें कि हमारा एक दूर का भांजा है, आज से 25 साल पहले हम खंगार जाति में उसका शादी कराए, आज से 7-8 साल पहले मैं अपनी बेटी का शादी खंगार जाति में कराया। तो इस तरह से हम लोगों का चलता रहा है। अभी मेरी मैंने सरहज का अर्थात साला की बेटी है, हम लोग बनिया में हलवाई में कराए शादी, दौलत राम चौक कटिहार में जी। तो हम चाहते हैं कि ये जाति बंधन टूटे और जात तोड़ो जमात जोड़ो जी, ये मेरा उद्देश्य। ये नारा है आपका, जात तोड़ो जमात जोड़ो जी। ये नारा तो बहुत पहले से सुना गया है लेकिन इसको अमली जमा पहनाने का मेरा एकमात्र प्रयास शुरू हुआ है जी। तो फिर आपको समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या देना चाहेंगे, राम का काम है ढोल बजाना जूता सीना जी। तो ढोल बजता है तो सुहाना लगता है सुनने में, जूता बनता है तो पहनने में मजा आता है जी। तो उसका छुआ हुआ यहाँ छुआछूत नहीं होता है, नहीं होता, सही बात। डोम का बनाया हुआ वो जो क्या बोलते हैं दौरा से हम छठ पूजा करते हैं तभी है छुता है वो जी। जैसे आपके घर में आ गया कुनेरा मतलब छुत जाएगा ये जी। तो ये सब तो मानसिक पीड़ा है। हाँ, मानसिक पीड़ा मतलब मानसिक कैंसर है ये जी। तो इसको दूर करने का एक रास्ता है, ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद हम अपने समाज को देंगे, अपने परिवार को देंगे, अपने बेटे को देंगे और सगा संबंधी को देंगे जिन्होंने स्वीकार किया है इस बात को जी। जी, ये बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ी बात है। तो जहाँ तक यहाँ पे कौन ऐसे शख्सियत है जो नहीं आए होंगे वो ये जानकर कि यहाँ फणीश्वर नाथ रेणु जी बसते थे, यहाँ रहते थे। तो आप फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में, आप उनके बेटे हैं, तो उनका व्यक्तित्व के बारे में आप बताएं, क्या सोच रखते थे? देखिए बता दें कि फणीश्वर नाथ रेणु के विषय में जब हम लोग काफ़ी छोटे थे, जब बालिग हुए तो एक पिता के रूप में ही हम उसको जाने जी। और उसके जाने के बाद या
जब थे वो अंतिम समय में, हमको लगता है 73-74 में हम जानना शुरू किए कि ये बहुत बड़े लेखक हैं जी। पहले तो हम जानते थे कि बहुत बड़ा लेखक वो गुलशन नंदा है, कर्ण रंजीत है, जो रातों रात कहानी लिखते हैं, उपन्यास, और महीनों में उसका फिल्म बन जाता है जी। एक महीना हुआ किताब का लिखा हुआ तो कॉन्टेक्ट हो जाता है उसका। लेकिन बाद में हम जाने कि नहीं, वो तो तथाकथित चीज़ है, ओरिजिनल चीज़ है, ओरिजिनलिटी इसमें है, साहित्य ये है, वो नहीं है। तो पिता के रूप में हम बचपन में देखे, लेकिन एक लेखक के रूप में उसका मैं घनघोर पाठक हूँ रेणु जी। तो बाबू जी के मरने के बाद 2 वर्षों तक मैं विषाद में चला गया था, मतलब बीमार रहता था और इसका कोई उपाय नहीं था मेरे पास। तो हम बाबू जी का पूरा मैंने कहानियों को हम पढ़ डाली और कहानी पढ़ के मैं स्वस्थ हो गया, बस ये जानिए आप जी। कहानी पढ़े और स्वस्थ हो, स्वस्थ हो गए। तो वो बात तो है, उनमें वो खूबियाँ रही, उनके जो लिखने का जो शैली था उनका, वो किसी भी चीज़ को डायरेक्ट रूपांतरित कर देते थे, जैसे लग रहा था कि हम उन्हें महसूस कर रहा हूँ, इस तरह का लेखन क्षमता थी उनकी। तो निश्चित तौर पे मैं क्या, पूरा दुनिया आज उनका नाम ले रहा है। और सबसे आज हमारा यहाँ आने का उद्देश्य ये भी है कि विधायक जी पदमपराय राय वेणु ने जो एक विशाल गाथा के तौर पर लिख दिया है, एक महादलित लड़की को अपने घर का सरताज बना दिया, ये अपने आप में एक बड़ी बात है और समाज के लिए एक ऐसा मैसेज है जो एक जात को तोड़ो और जमात को तोड़ो नारा को बल देती है।